हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। तो गाइस, ये जो रूट है, मैं बेसिकली भी रास्ते में खड़ी हुई हूँ, तो ये जो रूट है ये 22 नंबर तक ही जाती है। बट मैं आज सोचू व्हाई नॉट टू हैव अ वीडियो ऑन 37 नंबर। PV 37 और PV 24 दोनों को आई गेस कि एक साथ कवर नहीं कर पाऊंगी। PV 37 आपके साथ शेयर करूंगी या फिर PV 24 शेयर करूंगी। तो इफ यू आर द रेगुलर, अगर आप मेरे YouTube चैनल को व्यू करते हैं तो यू माइट हैव नो अबाउट इट कि PV 37 और PV 24 जो है, इसे हम रूपनगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में खड़े होके वीडियो लेने का व्हाट इज द इंटेंशन, तो इंटेंशन मैं बता दे रही हूँ गाइस, बैक कैमरा से दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे है एक सब स्टेशन इन द सेंस उपकेंद्र। तो उपकेंद्र जो है गाइस, इट इज जस्ट कंस्ट्रक्टेड, उदयपुर उपकेंद्र के नाम से इसको जानते हैं। 132-133 केवी का सब स्टेशन है। तो बैक कैमरा से दिखाऊंगी गाइस कि मैं अभी कहाँ खड़ी हूँ, साथ ही साथ दिखाऊंगी कि सब स्टेशन यहाँ से आपको। सो गाइज, एज यू कैन सी हियर, ये भुट्टे की फसलें जो है अभी आपको देखने को मिल रही है हर एक जगह। आपको बेसिकली ज्यादातर भुट्टे का जो है वो देखने को मिलेगा। अगर पीछे की तरफ अगर आप देख पा रहे हो, नियर टू दैट इज द सब स्टेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये है रूट हमारा, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा पास जाके जो है गाइज इसको दिखाऊंगी, सब स्टेशन को। तो सब स्टेशन को दिखाने का मतलब या व्हाट टू से कि सब स्टेशन के अंदर जाके जो है मैं आज वीडियो शूट नहीं करूंगी, बट कोशिश करूंगी गाइज के अंदर जाके भी जो है सब स्टेशन आपको दिखा पाऊ। बट फिलहाल तो इतना ही, बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, आई एम हियर स्टैंडिंग नियर टू द सब स्टेशन। तो बैक कैमरे से पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ, जो बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये उदयपुर के नाम से जानते हैं। आई होप गाइस कि आप रेट कर पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी का है ये उपकेंद्र। तो CSPTCL का है ये उपकेंद्र। तो गाइस, जो हमारा उपकेंद्र होता है बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, वो होता है आपका 33/11 केवी का सब स्टेशन। बट ये है आपका ट्रांसमिशन का, तो इसलिए है ये 132/33 केवी सब स्टेशन। तो सब स्टेशन जो है गाइस, इसको हम उपकेंद्र के नाम से जानते हैं। और ये है आपका पखांजूर का ग्राम है उदयपुर अंजिला कांकेर छत्तीसगढ़, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस बोर्ड में। सो गाइज, दिस इज द रूट, एज यू कैन सी हियर दिस इज द गेट, और ये है पीछे आपका सब स्टेशन। तो गाइज, मैं जैसे कि आपको बेसिकली बताई हूँ कि मैं अंदर जाके वीडियो आज नहीं लूंगी, तो आप बाहर से देख सकते हैं गाइज। ये है आपका सब स्टेशन जिसके बारे में मैं बात कर रही थी और जिसको मैं अभी जो है दिखा रही थी आपको बैक कैमरा से कुछ डिस्टेंस दूरी पे। तो अगर आप ऐसे फील कर रहे हो या ऐसे आपको लगता है कि वी पखांजूर एरिया वी डोंट हैव एनीथिंग टू शो, तो ऐसा नहीं है। वी हैव मेनी थिंग इन आर एरिया, द ओनली पर्पस या ओनली हम ऐसे चीज़ों पे वीडियोस नहीं लाते या नहीं बनाते, बट देयर आर मेनी थिंग्स टू गो थ्रू इट। सो इट इज 132/33 केवी का सब स्टेशन है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जो सब स्टेशन होता है 33/11 केवी का, उतना छोटा सब स्टेशन ये होगा नहीं बेसिकली। ट्रांसमिशन का है तो ये होगा आपका ऐसे ही एरिया में सब स्टेशन। पीछे साइड से भी गाइस मैं कभी ना कभी इसको वीडियो को भी लाऊंगी, बट पहले तो आप फ्रंट व्यूज देख लीजिए। सो गाइज, आई होप कि आप देख चुके होंगे सब स्टेशन जिसको आज मैं वीडियो लाई या जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली गाइज, मैं अभी जाऊंगी रूपनगर, तो वीडियो को जो है यही स्टॉप नहीं करके मैं इसको और कंटिन्यू करूंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं रूपनगर और बताती हूँ गाइज कि वो जो गाँव है वो कैसा है। PV 24 में आज जाने का मैं सोची, PV 24 या PV 37, लेट्स सी वेयर आई कैन गो टूडे। बट एनी हाउ, बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, ये जो टाइमिंग है ये है सनसेट का। तो पीछे साइड आप देख रहे होंगे कि भुट्टी की जो फसलें होती है गाइस, ये हमारे रीजन में काफी ज्यादा होती है। तो ये जो प्लेस है पखांजूर एरिया, यहाँ पे भुट्टा, साथ ही साथ मैं उस दिन भी शेयर की हुई थी कैबेज का जो खेती होती है वो भी शेयर की हुई थी। तो आज गाइस अगर लिटरली मेरे को ऐसा दिखता है कि कैबेज हुआ है, तो वो वीडियो जो है उसको भी लाऊंगी। तो यहाँ से एक बार एक झल के जो है देख लीजिए उदयपुर का सब स्टेशन। आई होप गाइस कि दिख रहा होगा। सो गाइस, अभी मैं जाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए, बात करूंगी और उस रूपनगर में जाने की बात।
सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ रूपनगर में। तो देखते हैं इस गांव में क्या है इंटरेस्टिंग, कुछ अगर ऐसे इंटरेस्टिंग मिलता है तो डेफिनेटली आई विल शेयर इट आउट, और अगर नहीं मिलता है फिर भी जो है बने रहिए इस वीडियो में, लेट्स सी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर देखने को मिलेगा। सो देयर इट इज अ रूपनगर बोर्ड एज यू कैन सी हियर। तो चलिए, सो गाइस एज यू कैन सी हियर मैं यहाँ पर रूपनगर में हूँ। ये आपको गांव देखने को मिलेगा, कुछ घर है यहाँ में। लिटरली द पर्पस इज मैं यहाँ पर इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे वैगन से घर में देखने को मिला। लेट्स सी, वो मैं अंदर जाके तो मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, हालांकि फिर भी जो है दिखाने की कोशिश करूँगी। सो गाइस देख लीजिए, ये है गांव रूपनगर का, दैट इज PV 37 जो है ये गांव का नाम है। सो गाइस मैं थोड़ा सा दूर जो है चली गई थी, बट लेट्स सी ब्रिंज अब जब देखने को मिला आपको तो दिखाऊंगी मैं ज़रूर। बने रहिए आज के वीडियो में, इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मैं जैसे बोली हूँ ज़रूर करूंगी, करने के लिए तो आई हो भाई, isn't it? सो गाइस बैक कैमरे से मैं दिखा रही हूँ आपको ब्रिंजल, तो आई गेस गाइस कि आपको दिख रहा होगा ब्रिंजल। बेसिकली ये गाइस मैं घर में जो है ये फसल किए हुए है और उसी का जो है मैं वीडियो दिखा रही हूँ। हालांकि जितने भी ब्रिंजल या जितने भी सब्जियों का मार्केट में सेलिंग होती है वो हर एक चीज़ हमारे लोकल पखांजूर एरिया से ही जो है इसका उत्पादन होता है। तो आप बताइएगा ज़रूर गाइस, मैं इसको थोड़ा जूम करके जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको ये ब्रिंजल दिखाई दे रहा है कि नहीं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं दिख रहा होगा फिर भी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। तो जैसे कि आप देख रही हो गाइस ब्रिंजल, सो ब्रिंजल देखने के बाद गाइस लेट्स सी और क्या इंटरेस्टिंग है रूपनगर में। गाइस आज एक मैं अननोन प्लेस, अननोन नहीं नोन था, बट मैं बेसिकली इस एरिया में वैसे किसी को नहीं जानती हूँ, एक आध लोगों को इस एरिया में जानती हूँ, बट लिटरली टुडे आई केम टू नो कि अगर आप ऐसे कोई एरिया में शूट कर रहे हो जहाँ पे आप किसी को ना जानते हो ना कोई आपको जानता है, दे विल लुक एट यू बट एट द सेम टाइम दे विल नॉट आस्क एनीथिंग टू यू। तो घबराने की बात नहीं है, या एक जो हेजिटेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू अगर आप भी सोच रहे हो टू स्टार्ट योर यूट्यूब, तो वही आज फील हुआ, ऑल आर वॉचिंग एट मी, ऑल आर लुकिंग एंड जस्ट क्रॉसिंग अवे फ्रॉम हियर, सो देयर इज नो वन हु इज आस्किंग मी व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर राइट। सो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस वी आर इन द डेस्टिनेशन 37 नंबर में हम आ चुके हैं, एज वेल एज अगर आप इसी रूट को कंटिन्यू करते हैं तो ये जाएगा आपको 77 नंबर में। तो 5 किलोमीटर इट इज़ अवे जस्ट अवे फ्रॉम हियर, तो मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ 37। सो गाइस मैं 37 नंबर में जो है वो रास्ता क्रॉस कर चुकी हूँ एंड नाउ जो एरिया है ये डिफरेंट रूट पे जाती है। तो फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू यू टर्न माई स्कूटी एंड आई एम जस्ट गोइंग बैक। तो यहाँ पे नज़ारा आप देख सकते हैं गाइस, पीछे से एक माउंटेन है, साथ ही साथ जंगल एरिया वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। भुट्टे का मैं हर जैसे कि बोली हूँ गाइस कि भुट्टे की फसल आपको हर एक जगह देखने को मिलेगी। तो पीछे जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है वो है आपका भुट्टे का जो है फसलें लगी हुई है। तो द इंटायर एरिया यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ पखांजूर, और देखिए कहीं कहीं पे जो है अभी छोटा स्मॉल पौधे जस्ट दे है, क्या बोलना चाहिए कि अभी उन्होंने खेती की है तो अभी तक जो है उसमें भुट्टा नहीं लगा है, बट देयर इज़ अ सम प्लांट जैसे कि पीछे आप देख रहे हो इसमें भुट्टा लग चुका है, और उसका भी मैं डिफरेंट से वीडियो लाऊंगी कि भुट्टा तोड़ रही हो और समथिंग लाइक दैट। तो बने रहिए गाइस यूट्यूब चैनल में मेरे साथ। तो अभी के लिए गाइस आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस या फिर ऐसे नहीं बोलूंगी कि हो चुका है मेरा वीडियो शूट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू अरेंज समथिंग मोर फॉर दिस वीडियो, लेट्स सी फ्रॉम द बैक कैमरा। सनसेट के टाइम पे गाइस थोड़ा अलग ही नहीं दिखता है नज़ारा, चाहे कहीं से भी क्यों ना लो हर एक चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली लगती है चीज़ें। आई एम गोइंग टू पॉज द वीडियो
बिकॉज बहुत सारे जो है व्हीकल्स आना जाना कर रहे हैं इसी रोड पे. सो जहाँ भी देख रहे हो गाइस, ज़्यादातर जो है फसलें आपको भुट्टे की फसलें जो है वो देखने को मिलेगी. सो आई केम फ्रॉम हियर एंड नाउ मैं यू टर्न करके जो है गाइस सो गाइस इफ यू आर द रेगुलर व्यूअर ऑफ माई यूट्यूब चैनल तो आपको पता होगा गाइस कि मैं प्रीवियस टाइम पे भी आपको जो है कैबेज की खेती दिखाई हुई थी. तो अभी जहाँ पे लिटरली मैं खड़ी हूँ यहाँ पे कैबेज हुआ है. मीन्स पिछले बार जब मैं दिखाई थी वीडियोस में तब तक कैबेज जो है वो नहीं हो पाया था जिसको हम खाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट राइट. तो यहाँ पे कैबेज हुआ है, साथ ही साथ जो है वहाँ पे आई गेस कि वो मार्केट में ले जाने के लिए जो है इकट्ठा करके रख रहे हैं. तो लेट्स सी. सो गाइस कैन यू सी हियर, ये देखिए कैबेज दिख रहा है आपको. कैबेज यही वो कैबेज है जो हम लोग खाते हैं, जिसकी फसल के बारे में या जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. तो ईच एंड एवरीवेयर में जैसे कि बोली हूँ ना आपको भुट्टा की जो खेती है ये पारलकोट एरिया में आपको हर एक एरिया में देखने को मिलेगा. सो अभी जिस रूट में मैं बेसिकली खड़ी हूँ ये है 23 और 24 के बीच वाला रूट, मीन्स ऑन द मिडिल ऑफ द रोड. सो इट इज द मेन रोड. तो मेन रोड के बाहर मैं ज्यादा जाना जो है प्रिफर नहीं करती हूँ. स्टिल अगर ऐसा बनता है कि नहीं चलो मेन रोड के बाहर भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एरिया है जहाँ पे हमें जाना चाहिए और वीडियो लेना चाहिए, डेफिनेटली गाइस मैं उस वीडियो को भी जो है साथ में लेके जरूर आऊंगी. तो यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस कि सी उन्होंने जो है कैबेज को इकट्ठा करके एक जगह रखे हुए है. दैट मीन्स ये जाएगा अब सेल होने के लिए मार्केट में. मैं बता ही ना गाइस ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आर लोकल एरिया. पखांजुर में ही आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगा. बाहर की सब्जियां आई गेस की बहुत कम आती होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती, बट डेफिनेटली आता होगा. बट हियर यू कैन सी ये मार्केट के लिए जा रहा है और साथ ही साथ जो है खेत पूरा खाली है. सो ये भी जो है ये भी आपका भुट्टा वाला एरिया एज यू कैन सी हियर. मैं उस दिन भी जो है उस दिन भी मैं इसी एरिया के बारे में मैं सोची कि पहले मैं दिखा देती हूँ इस एरिया में, बट इस एरिया में मैं इसलिए नहीं दिखाना चाह रही थी बिकॉज इनका जो फील्ड है ये काफी छोटा है. सो एज यू कैन सी हियर ये भी जो है कैबेज की फील्ड ही है. उस दिन भी जो है वो इकट्ठे करके आई गेस कि कहीं पे लेके जा रहे थे मार्केट के सेलिंग के लिए. बट उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो था 2-5 लोग था और मैं ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थी उस टाइम पे शूट करने के लिए. तो यहाँ पे चलिए मैं अनफॉर्चुनेटली या बेसिकली मैं ये खेत दिखा चुकी हूँ. तो आपको अब समझ आ रहा होगा गाइस या आपको ये समझ आ रही होगी कि यहाँ पखांजूर इज नॉट बहुत क्या बोलना चाहिए ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है और बहुत बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा मत सोचो. और बहुत कुछ है ऐसा भी बोलना जो है गलत हो जाएगा. हमारे एरिया में बहुत कुछ नहीं है बट जितना है उतना बहुत ही है. अगर पॉजिटिविटी के साइड से देखने के लिए मैं बोलूँ गाइस तो वी हैव अ हॉस्पिटल, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग. तहसील इज दियर, पंचायत नगर पंचायत इज दियर, ATM इज दियर, SBI बैंक इज दियर, HDFC बैंक इज दियर, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है हमारे एरिया में. अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहती है द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट कि वो नहीं है दैट इज द इंजीनियर एंड द मेडिकल कॉलेज. इट इज नॉट हियर इन दिस एरिया राइट नाउ बट BA, MA, BSc, MSc ईच एंड एवरीथिंग इट इज देयर. स्कूलिंग की गाइस मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसका, तो जुड़े रहिए. तो आज की वीडियो में गाइस मैं यही पे जो है स्टॉप कर रही हूँ या आज का वीडियो जो है मैं यही पे खत्म कर रही हूँ. आई होप गाइस की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड इफ यू फाइंड माई वीडियो इंटरेस्टिंग डू लेट मी शेयर इन माई कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको. साथ ही साथ रूपनगर का रूपनगर दो एरिया को बोला जाता है, एक है PV 37 और एक है PV 24. तो 24 नहीं गई थी फिलहाल, आज जहाँ पे मैं विजिट करके आई और जहाँ का वीडियो मैं आज शूट की हूँ वो था PV 37 का. तो गाइज देयर आर मेनी जो कि पखांजूर एरिया से नहीं है. तो आपको ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से जो है वो PV 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, PV 1 से स्टार्ट नहीं होता है. तो PV 37 जैसे उस रूट में था तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि PV 24 क्रॉस करके शायद मैं PV 37 में गई हूँ, बट ऐसा नहीं है. PV 37 अलग एरिया में जाता है, PV 24 अलग एरिया में जाता है. बट उसका भी वीडियो जो है गाइस मैं जरूर डेफिनेटली लाने की कोशिश करूंगी. बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एज वेल एज हेल्पफुल डू लेट मी शेयर इन माय कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा आज का वीडियो. थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा.